नमस्कार, मैं वीर सिंह बीसीएन न्यूज के आज की खास बात में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक नया मामला सामने आया है जो कि चंद्रपुर जिले से है। घुघुस के पास एसीसी सीमेंट की फैक्ट्री के ठेकेदारों ने कंपनी के अधिकारियों के साठ घाट से वहां के 200 से अधिक कामगारों के पीएफ चोरी का मामला सामने आया है। तिरुपति कंस्ट्रक्शन ने यह चोरी की है। फिलहाल नागपुर पीएफ आयुक्त ने 7A के तहत जांच के आदेश दिए हैं। आगे बात करेंगे, उससे पहले समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। माना जा रहा है कि यह चंद्रपुर समेत पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन चुका है। चंद्रपुर पीएफ कार्यालय के निरीक्षक ने मामले की जांच शुरू कर दी है। चंद्रपुर में बड़े पैमाने पर कामगार काम करते हैं। अन्य राज्यों के कामगार अधिकांशतः ठेका पद्धति से काम करते हैं। घुघुस के समीप स्थित नाकोड़ा की एसीसी कंपनी के विरुद्ध कामगार आंदोलन कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार एसीसी सीमेंट कंपनी कार्यरत तिरुपति कंस्ट्रक्शन नामक ठेका कंपनी ने 2011 से 203 कामगारों का पीएफ चुरा लिया। यह मामला पिछले वर्ष तब उजागर हुआ जब ठेकेदार पीएफ चुराकर रफू चक्कर हो गया। इसके लिए कामगारों ने कंपनी प्रबंधन को जिम्मेदार बताते हुए आंदोलन शुरू कर दिया। एसीसी सीमेंट कंपनी में करीब 27 ठेकेदार काम करते हैं। कामगारों के अनुसार 2011 से 2021 तक करीब 4.5 करोड़ रुपए के पीएफ की चोरी हुई है। मामला गरमाने के बाद भविष्य निर्वाह निधि नागपुर कार्यालय ने इसकी दखल ली और आयुक्त ने जांच के आदेश दिए हैं। पीएफ इंस्पेक्टर ने एसीसी कंपनी में जाकर पीएफ से जुड़ी फाइलें मांगी। इस पर कंपनी प्रबंधन ने कुछ समय मांगा है। नागपुर के रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर देवेंद्र सोनटक्के ने बताया कि मामले की जांच करने के लिए इन्फोर्समेंट ऑफिसर को नियुक्त किया गया है। पीएफ कार्यालय के अधिकारी ने पिछले सप्ताह एसीसी कंपनी में जाकर जांच पड़ताल की थी। इसमें एसीसी प्रबंधन ने समय मांगा है। आधिकारिक जाँच की रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल रिपोर्ट का इंतजार है। तिरुपति कंस्ट्रक्शन के लिए 21 फरवरी को जुडिशियल इंक्वायरी बिठाई जा सकती है। पीएफ कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार अंडर सेक्शन 30A के तहत कार्रवाई शुरू करने पर एसीसी कंपनी प्रबंधन ने 1 करोड़ रुपए राशि जमा की है, किंतु अब तक पीएफ से जुड़े दस्तावेज कार्यालय को नहीं दिए गए। चर्चा है कि पीएफ की हेराफेरी ठेकेदार व कंपनी प्रबंधन के मिलीभगत के बिना संभव नहीं है। इस मामले में कंपनी का पक्ष जानने के लिए एचआर हेड पुष्कर चौधरी से बार बार संपर्क करने की कोशिश की गई, परंतु उन्होंने फोन नहीं उठाया। इस कारण कंपनी का पक्ष नहीं मिल पाया। पीएफ चोरी व अन्य मांगों को लेकर ठेका कामगार 27 जनवरी से सफेद झंडा कामगार संगठन के बैनर तले कंपनी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। मांगे पूरी नहीं होने पर 4 फरवरी से 2 कामगारों ने अनशन शुरू किया। 5वें दिन उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोस्तों, इस देश का गरीब आखिर हमसे क्या चाहता है? वो हमसे एक छोटा सा अवसर चाहता है और जी लगाकर कड़ी मेहनत करना चाहता है। लेकिन एसीसी जैसे सीमेंट फैक्ट्री की 60 घाट से तिरुपति कंस्ट्रक्शन जैसे ठेकेदार जब गरीबों के हक का, उनके मेहनत का पैसा चुरा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इस देश का गरीब वर्ग इससे आहत होता है। ऐसे मामलों में हम मांग करते हैं कि एसीसी फैक्ट्री और तिरुपति कंस्ट्रक्शन जैसे चोरों पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। और भी नए खुलासों के साथ जल्द हम लौटेंगे। आप बने रहें सिर्फ बीसीएन न्यूज़ पर। जय हिंद।